नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश में दो तरह की राजनीति चल रही है, एक राष्ट्रभक्ति की और दूसरी परिवार भक्ति की। उन्होंने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें अमृत काल को कर्तव्य काल में बदल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। भेदभाव और भ्रष्टाचार इसी वोट बैंक की राजनीति के साइड इफेक्ट हैं। इस वक्त देश में दो तरह की राजनीति है, एक परिवार भक्ति की तो दूसरी राष्ट्रभक्ति की। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो, भेदभाव भ्रष्टाचार ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। विपक्ष पर परिवारवादी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत को दुनिया में मानवता की बात करने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। जब पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट रही है तो भारत दृढ़ता से मानवता की बात कर सकता है। बीजेपी ने सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत 7 अप्रैल से कई कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी स्थापना दिवस के साथ शुरू होने वाले इन कार्यक्रमों को आगामी चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में दो तरह की राजनीति हो रही है, एक राष्ट्रभक्ति की और दूसरी परिवारवाद की राजनीति। इसी पर हम आज तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रमन मलिक जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। राम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ है, लीडर है टीएमसी के। और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। यादव जी से मैं एक सवाल कर लेती हूँ। यादव जी, क्या लगता है आपको, ये 42 सालों का भारतीय जनता पार्टी का सफर कैसा रहा और आज स्थापना दिवस के मौके पर जब राष्ट्रभक्ति और परिवार भक्ति की बात प्रधानमंत्री के जरिए की जाती है तो ये क्या संदेश देने की कोशिश की जाती है? को ये पूरी आजादी है कि वो अपना स्थापना वर्ष खूब धूमधाम से मनाए और खासकर तब जब वो प्रचंड बहुमत से सत्ता में हो, तो ये तो उनका हक है। लेकिन ऐसे मौकों पर आप अपनी जब बात कहते हैं तो उसमें एक आत्मविश्वास होता है और दूसरा एक होता है अति आत्मविश्वास। जब आप इस तरह की बात कहते हैं और निशाना आप दूसरे पर साध रहे हैं तो मेरी पहली टिप्पणी ये है कि कहीं आप बहुत डरे तो नहीं है कि अपना अपनी पार्टी का स्थापना वर्ष मनाते हुए भी आपको दूसरे पार्टियों की याद आ रही है, आपको दूसरे पार्टी का परिवारवाद। और आप तो उससे बहुत आगे निकल गए हैं ना, आप तो बिल्कुल आपकी पार्टी में कहीं परिवारवाद है ही नहीं। आपने किसी भी पिता पुत्र की संतान को दोबारा राजनीति में मौका ही नहीं दिया है। आपको तो ये गिनवाना चाहिए। पहली बात मेरी ये है कि आपके मन में कहीं डर क्यों है, आप किसी और से अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। दूसरी बात, मेरा एक सवाल, मैं क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में साहित्य पढ़ता पढ़ाता हूँ, तो मेरा एक सवाल है कि राष्ट्र कहते किसे हैं? क्या ये जो भावुक भाषणों में बार बार ये कहा जाता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो इसका क्या दूसरा अर्थ ये नहीं लगता कि कोई दूसरा राष्ट्रवादी नहीं है? क्या इसका अर्थ ये नहीं होता कि फिर राष्ट्र कौन है? एक बहुत मौजू की कविता गोपाल दास मीरा ने लिखी कि तन भूख मन को गुनहगार बना देती है, बाघ की बाह को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को राष्ट्रभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये मैंने नहीं लिखी। आप आज अगर वो कविता लिख दे तो उनके ऊपर तो NFA लग जाएगा, UAPA लग जाएगा,
वो तमाम लोग जो जेल में है उनमें से कितने पर राष्ट्रभक्त बने थे। मैं उमर खालिद का नाम लेता हूँ, उमर खालिद पर आज तक चार सीट पाई है। जहां तक प्रोफेसर साहब की बात, मैं आवेदन करता हूं प्रोफेसर साहब से, अरे छोड़िए ये सारा कुछ, छोड़ दीजिए। आप तो अभी इस चैनल पे डिक्लेयर करिए कि उमर खालिद जैसे आतंकी को आप भारत रत्न दे दें, लाल सलाम जिंदाबाद। ठीक है यादव जी। जी मेरा कहना यह है कि क्या बीजेपी ये दावा करती है कि उमर खालिद के आतंकवादी होने के सबूत मिल गए हैं, और अगर मिल गए हैं तो सजा सुनाए। क्या प्रोफेसर हैनी बाबू जो दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे कलीग हैं वो आज जेल में बंद है, प्रोफेसर आनंद से तो बड़े जेल में बंद है, वो लोग क्या आतंकवादी हैं? ये हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी को इतनी देर नहीं करनी चाहिए। भारत के टुकड़े होंगे तो नारा लगाने वाला कौन जेल में है? ये ऐसा तो नहीं किसी को। हाँ जी बताए। ऐसा है साहब, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि सजा दे दीजिए भारत, ये आपकी मानसिकता दिखाती है कि ये एक वामपंथी मानसिकता है ना, वो ये अपने कॉमरेड को भी काटते हुए कभी शर्म नहीं करते। और हम ये कहते हैं चाहे हमारा दुश्मन हो, लेकिन देश के संविधान में न्याय व्यवस्था के अंदर जो सेट प्रेसिडेंट्स हैं, सेट लॉज हैं, उनके अधीन चलते हुए कोर्ट को स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होके अपना निर्णय देना चाहिए। सरकार का काम वहां खत्म हो जाता है जहां चार्जशीट चलती है, और चार्जशीट के बाद एक काम जो सोच आपकी सोच से ना मिले वो वामपंथी हो जाती है। अजय उपाध्याय जी भाई अभी तो सबूत दे दिया उन्होंने, और क्या सबूत देंगे? कैसे देखते हैं इसे आप? इससे पहले कोई धर्म विशेष की बात तो नहीं होती थी? आज जब बात होती है तो राष्ट्र की तो बाद में होती है, पहले धर्म विशेष की बात होती है। चुनाव से एंड पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठ जाता है जो कि विवादों में रहता है। कर्नाटक से मुद्दा उठा, यूपी चुनाव पर हावी हो गया। अभी महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव है, उससे पहले ही मुद्दा उठ गया कि जी अजान के जहां अजान होगी उसके सामने लाउडस्पीकर लगा के हम हनुमान चालीसा करेंगे। तो ये जो मुद्दे उठते हैं ये क्या बताते हैं? क्या यही राष्ट्रभक्ति की परिभाषा है? क्या ऐसा ही करना? बिल्कुल, अब ये तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं को देना चाहिए कि आपकी नजर में राष्ट्र की परिभाषा क्या है। मैं फिर से अपनी पुरानी टिप्पणी को दोहरा रहा हूँ। अगर आपकी नजर में राष्ट्र की परिभाषा ये है कि उसमें मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हो, तो आप बार बार उनके धार्मिक प्रतीकों पर, उनको लेकर बनी योजनाओं पर ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे बहुसंख्यक वोट बैंक आपका भी पुष्ट होता है। और ठीक बात है, पहले की पार्टियों ने कोई गलती की होगी, फिर आप उसे सुधारे। आप जब एक तरफ ये नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो दूसरी तरफ आप ऐसे एलिमेंट जो आप प्रिंट नहीं रहे, जो खुले आम सांप्रदायिक ताकतों, अभी राजस्थान में क्या हो रहा है, मस्जिद के सामने से भगवा झंडा लगाते हुए ये नारा लगाना कि टोपी वाले सर झुका के जय श्री राम बोलेंगे, ये क्या इस देश में दिखने रहा लोगों को? ये सारे क्रिंज एलिमेंट है। और आखिरी टिप्पणी इससे पहले, क्योंकि वक्त बहुत कम मिल पाता है, मैं फिर से ये दोहराता हूँ कि अगर आप अपने मैनिफेस्टो में कही गई बातों को लागू करते, आप एक वाकई बेहतर भारत बनाते, तो आप अपने काम पर चुनाव लड़ते। आप 80-20 का नारा देना, गर्मी शांत करना, ये नहीं कहते। और आखिरी टिप्पणी, अगर आप कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, तो राष्ट्र में आदिवासी बस्तर और बकसवा के जंगलों में जो लड़ रहे हैं वो क्या इस राष्ट्र के नागरिक नहीं है? क्या इस देश में जितेंद्र मेघवाल की मूछ रखने पर हत्या हुई तो वो राष्ट्रभक्त नहीं थे? तो राष्ट्रभक्ति असल में एक लिबास है जिसके भीतर एक सेपरेशन है, जिसमें बहुत थोड़े से लोग जो सत्ता में काबिज है वही लगातार अपनी हेगमनी बनाए रखना चाहते हैं, बाकी कमजोर मेहनत का सामान आज परेशान।